बाप इस बात को वाकिफ ने कि जो इस वक्त फलस्तीन के हालात ने मुसलमान चीको पुकार कर रहे हैं, बल्कि मैं वीडियो देख रहा सा, मैं अपनी आईडी को कुछ शेयर भी की थी। एक सालाना दो बच्चों उन्होंने बाजू बन के उन्होंने पैर बन के उन्होंने मार रहे हैं, उन्होंने कुट के फिर जिस तरह बकरा जिबा किया जाता है ना बच्चे उन्हें जिबा भी किया। इस वक्त फलस्तीन के हालात बहुत खराब ने, मैं अपनी हुकूमत और पाक फौज को पैगाम देना चाहना, हाँ साडा इस्लाम में दर्ज देता है अमन का पैगाम देता है, पर जिथे इस वक्त जुल्म हो रहा है साडा इस्लाम जिहाद का भी हुक्म देता है, जिहाद भी साडा इस्लाम जिहाद की भी इजाजत देता है। इस वजह तो मैं इमरान खान साहब और पाक फौज की दरख्वास्त करना चाहना कि अपने नौजवान या शेरा को भेजो फलस्तीन अंदर, जो इसराइल वाले सालम उन्होंने जुल्म कर रहे हैं, बैतुल मक़द्दस से जुल्म हो रहे हैं, नमाजी नमाज पढ़ रहे सी जालमा ने आके हमला किया है, कई नमाजी जख्मी हो गए और कई अल्लाह को प्यारे हो गए। इस वक्त बहुत जुल्म हो रहा है फलस्तीन अंदर, उन्होंने बात खुसूसी तो आप फरमाओ कि अल्लाह फलस्तीन वाले की मदद फरमा दे, अल्लाह इसराइल को निशाना इबरत बना दे, ऊंची आवाज़ में कहते अल्लाह निशाना इबरत बना दे। तो मैं पाक फौज को कहना चाहना, अगर सानू असी इजाजत दो इंशाल्लाह असी जाके, मैं अपने मनो कह रहे हैं इंशाल्लाह जिथे पाक फौज का पसीना गिरेगा उथे बकर रियाज के खून का कतरा गिरेगा। सानू इजाजत दी जाए जिथे मुसलमाना को बकरिया तरह सिबा किया जा रहा है, गाय की तरह सिबा किया जा रहा है, फलस्तीनियों नाल साडा रिश्ता इको ही है, ला इलाहा सारे बोलो फलस्तीन से रिश्ता क्या, सारे बोलो फलस्तीन से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं सऊदीया की हुकूमत को भी कहना चाहना, तुसी भी अगे निकलो अपनी फौज को भेजो, पाकिस्तान वाले को भी कहना चाहना अपनी फौज को फलस्तीन अंदर भेजो, उन्होंने मदद वास्ते खुदा की कसम उठा करके कहना, एक निक्का जिहा बच्चा है वो रो रहा है और आ रहा है, कभी अपनी जुबान चोंकी आंदा है अपने बाप को कह रहे हैं अबू मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहना, फलस्तीन का बच्चा है, मैं लोगों का इलाज करना चाहना, पर कुछ इस वक्त अपने हालात में ना लगता है कि मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे, वो बच्चा इस तरह चीख रहे हैं पुकार रहे हैं, इस वास्ते इस वक्त उन्होंने हालात बड़े खराब ने। वो शाम का बच्चा वो सालमान जुलम किया सी ना, शाम के बच्चे ने कहा सी वीडियो मौजूद है कि मैं अपने रहमान को जाके सब कुछ दसा, अल्लाह ने कहा अल्लाह दुनिया वाले जुलम कड़ा कर दे, वो सालमान ने बच्चे को मार दिया सी, बच्चा नाल अपनी जुबान चो कह रहा सी कि मैं अल्लाह को जाके शिकायतें करा। ते कई लोग कहते हैं जरा कोरोना आया ना वो सब दस बच्चे ने अल्लाह जाके शिकायत कर दी, अल्लाह ने पूरी दुनिया ही हला दी, पूरी दुनिया हला दी है, आज तक बैतुल्ला बंद नहीं होया सी, मस्जिद नबी बंद नहीं हुई सी, मस्जिद नबी भी बंद है ते बैतुल्ला भी बंद है, काते तुसी मुसलमान हो साडे जमीर सौ कहने नाम ते मुसलमान हो, सबके पीर ते जुल्म हो रहा सानू पता ही नहीं, कोई इमाम ना बोल के जवाब दे, हम फलस्तीन जेने दिन हो गए जुल्म हो रहे हैं, किसी ने उन्होंने आवाज उठाई असि फेसबुक चला रहे हैं, बस आपने मिशन च लगे हैं, अज तक किसी उन्होंने पोस्टर में शेयर की हो, उन्होंने वीडियो शेयर की हो, तो दस दिया है सानू होश के ना हल लेने चाहिए ने, वो भी मुसलमान ने, उन्होंने का साडा इको रिश्ता है, फलस्तीन
एक साथी ने फेसबुक के जुमले लिखे से बड़े कमाल लिखे से ने क्या सिया चंद दिन पहला ने बैग वाले ने लाहौर भरना दिल्ली रखया बल्कि पूरे पंजाब ने दिल्ली रखया लबैग वाले कौन की चंद दिन फलस्तीन जो जुल्म हो रहे हैं साडे भरा ने आदर का रोक लो इस चंद की चंद दिन ओना नहीं पता कि फलस्तीन में जुल्म हो रहे हैं असि अपने मतलब वास्ते धरने देने चाहते हैं लोगों को बात करना चाहते हैं असि किसी की आवाज नहीं बन सकते अगर असि आज किसी की आवाज बनाके कल लोग साडी आवाज बनाएंगे अल्लाह साडे जिला को नरम कर दूची आमीन कह दे अल्लाह फलस्तीन मुसलमान की मदद फरमा जिथे जिथे मुसलमान रह रहे हैं लोगों के हिफाजत फरमा खसूसी दुआ फरमा के